कारों में आपको कंफर्टेबल बैठाए रखने के पीछे सबसे बड़ा बोझ या कह सकते हैं सबसे बड़ा हाथ उसके सस्पेंशन सिस्टम पर होता है, जिसमें शॉकर, शॉकर माउंट, सस्पेंशन आर्म बुश, लिंकेज, व्हील जॉइंट वगैरह वगैरह। हम में से काफ़ी लोग सस्पेंशन सिस्टम की मेंटेनेंस पर बहुत कम ध्यान देते हैं। ऐसे में हमने कुछ ऐसे पहलुओं पर बात की है जो सस्पेंशन सिस्टम के खराब होने को दर्शाते हैं। तो चलिए इन लक्षणों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चूँकि बात सस्पेंशन मेंटेनेंस की है तो पूरा वीडियो इसी पर रहने वाला है। तो ये मैंने खोल ली है फ्रंट शॉकर असेंबली, इसका बुश पूरी तरीके से फट चुका है और आप लोग देख ही सकते हैं ये पूरा भीगा हुआ है, लीकेज है। तो हम इसको करने वाले हैं रिप्लेस। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, ये हैं अपर आर्म बुश जो कि फट चुके हैं, दूसरी तरफ से भी आपको दिखाते हैं ये भी कट चुके हैं और इधर से भी कट चुके हैं। तो टोटली बुश हमारे हो चुके हैं ख़राब और हम उसको करेंगे रिप्लेस। ये हैं अपर आर्म व्हील जॉइंट। अब इनको चेक कैसे करना है, उसके लिए हाथ से घुमाना होता है। अगर ये आसानी से मूव करते हैं तो ये ख़राब है, अगर ये टाइट घूमते हैं तब हमें पता चल जाता है कि ये सही कंडीशन पे है। उसी तरह से हमको लोअर आर्म व्हील जॉइंट्स को भी चेक करना होता है। तो लोअर आर्म व्हील जॉइंट्स भी हमारे बहुत बुरी तरीके से कट चुके हैं और बहुत ज़्यादा लूज हैं। ये देखिए, इसको हिलाने पर भी अपने आप जो है हिल रहे हैं, तो ये हमारे ख़राब हैं। तो दोनों लोअर आर्म्स व्हील जॉइंट को हमने कर लिया है चेक, तो दोनों हमारे हैं ख़राब। तो अभी हम करेंगे सभी पार्ट्स की अनबॉक्सिंग, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। न्यू फ्रंट शॉक अब्जॉर्बर यानी कि शॉकर असेंबली, तो न्यू महिंद्रा की शॉकर असेंबली मैंने मंगवा ली है। आप लोग देख सकते हैं कि ये ब्रांड न्यू शॉकर असेंबली है। तो ये मैं डालने वाला हूँ गाड़ी में और उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा बुश किट। तो ये है हमारी सस्पेंशन बुश किट, इसमें कंप्लीट बुश किट होती है फ्रंट की, इसमें सभी बुश हमारे रहेंगे। तो ये है हमारी स्टेबलाइजर रॉड बुश, ये है अपर आर्म बुश, और ये है लोअर आर्म बुश। तो ये रहेंगे हमारे चार पीस और चार पीस रहेंगे अपर आर्म बुश। ये है हमारा शॉकर बुश। तो अभी फ़िलहाल हम बुश किट को करते हैं साइड में और भेजते हैं इसको बुश को फिटिंग कराने के लिए। तो तब तक हम देख लेते हैं फ्रंट व्हील वायरिंग को। तो फ्रंट व्हील वायरिंग का अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं फिटिंग का, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके चेंज करने वाले हैं ब्रेक पैड को भी। बुश फिट होके आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं ये न्यू बुश मैंने लगवा लिए हैं, लोअर आर्म के ये बुश हैं और ये हमारे हैं व्हील जॉइंट। तो लोअर आर्म के व्हील जॉइंट भी मैंने फिट करा लिए हैं खरादिए से, और ये दिखा दूं मैं आपको अंदर साइड से भी ये हमारे लग चुके हैं। तो नए बुश हमारे लग चुके हैं और व्हील जॉइंट्स भी लग चुके हैं। इस साइड में चल रही है सस्पेंशन की फिटिंग, तो हम आपको लेकर चलते हैं दूसरी साइड में और करेंगे ब्रेक पैड की फिटिंग। तो ब्रेक पैड फिट करने के बाद हो चुकी है गाड़ी हमारी कंप्लीट। कंप्लीट होने के बाद में जाएगी अलाइनमेंट को, और अलाइनमेंट के बाद जाएगी गाड़ी टेस्ट ड्राइव को। तो इस तरह से गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी।